खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अकासा एयर लॉन्च करने वाले बिलियनर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हुआ। बिलियनर स्टॉक इन्वेस्टर और हाल ही में शुरू हुई एयरलाइंस अकासा के फाउंडर राकेश झुनझुनवाला का रविवार सुबह निधन हो गया। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के CEO एन संथानम ने बताया है, झुनझुनवाला को सुबह 6:45 पर मृत हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल के एक अन्य डॉक्टर ने कहा है कि झुनझुनवाला को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और किडनी रिलेटेड इश्यूज़ थे। ऐसा बताया जा रहा है कि झुनझुनवाला की कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में टाइटन कंपनी भी शामिल थी, जहां उनकी पत्नी रेखा के साथ 5.05% हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स में भी उनकी 1.09% हिस्सेदारी है और उनकी पत्नी के साथ क्रिसल में 5.48% और फेडरल बैंक में 3.64% की हिस्सेदारी है। ऐसी और भी छोटी छोटी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।